वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में एक स्किन वाइटनिंग और स्किन लाइटनिंग फेस पैक बनाना सिखाऊंगी। ये फेस पैक आपकी स्किन को बहुत ही जल्दी गोरा कर देगा और आपकी स्किन पर से सन टैन, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और दाग धब्बों की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करके आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर, ग्लोइंग और रेडियंट बनाएगा। तो इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कटोरी में 1.5 चम्मच चावल का आटा लेना है। फिर हम इस चावल के आटे के अंदर आधा नींबू निचोड़ेंगे या आप इसके अंदर 1 से 2 चम्मच नींबू का रस डाल सकते हैं। उसके बाद हमें इसके अंदर आधा चम्मच शहद डालना है, यानी कि हनी। शहद डालने के बाद हम इसके अंदर लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे, जो कि है कच्चा दूध। और यहाँ पर मैं 2 से 3 चम्मच कच्चा दूध डालकर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि एक स्मूथ पेस्ट बने। आपको इस पेस्ट को स्मूथ बनाना है और मीडियम कंसिस्टेंसी का बनाना है, और उसके लिए आप अगर थोड़ा सा और कच्चा दूध डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मेरा पेस्ट थोड़ा सा थिक था और वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और कच्चा दूध डालकर इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स होने के बाद आपका एंटी एजिंग राइस फेस पैक रेडी है और वो कुछ इस तरह दिखेगा। इस फेस पैक की कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा थिक और ना ही ज़्यादा रनी, और वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि इस फेस पैक को कैसे यूज़ किया जाए बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए। तो इस फेस पैक को इस्तेमाल करना बहुत ही ईजी है। आपको सबसे पहले इस पेस्ट की एक थिक लेयर अपनी स्किन पर लगानी है और उसको लगाने के बाद जेंटली सर्कुलर मोशन में 1 से 2 मिनट तक मसाज करनी है या स्क्रब करना है अपने फेस को इस पेस्ट से। और 1 से 2 मिनट स्क्रब करने के बाद आपको इस पेस्ट की एक और थिक लेयर अपनी स्किन पर लगानी है और उसको ऐसे ही सूखने के लिए 20 से 25 मिनट तक छोड़ देना है। और जब वो अच्छे से सूख जाए तो उसको नॉर्मल पानी से धोकर अपने स्किन को पैडर और मॉइस्चराइज कर लीजिए। इस फेस पैक को लगाने से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर, ग्लोइंग, रेडिएंट और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बन जाएगी और ये आपकी इस चेहरे पर से रिंकल्स, फाइन लाइंस और डार्क स्पॉट्स जैसी प्रॉब्लम को भी जड़ से ख़त्म करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी बहुत सारी ईजी और इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ देखने के लिए।